प्यारे मित्रों, साथियों, सज्जनों, किसान बाजवा का सलाम कबूल करो। पूरी दुनिया में वसदे हुए लोकां पंजाबी बोलन समझण वालियां ते पंजाबी नाल प्यार करन वालियां नाल मैं अज वारशाह साहब दा जीवन ते रचना दी अगली लड़ी लै के तुहाडी खिदमत च हाज़र हाँ। सलाम कबूल करो, जिउंदे रहो, खुश रहो। जिस तरह तुहानू दसदे आ रहे हैं कि वारिस शाह की जिंदगी जिहड़ी सैयद तालिब हुसैन बुखारी साहब ने अपने PhD थीसिस सैयद वारिस शाह जी दे करदारां ते थां टिकाणियां दा जिहड़ा जायज़ा सी उहदे विच जिहड़ा बयान कीती उहदे चों असीं तुहाडे नाल गल्लां सांझियां कर रहे हैं कि सैयद तालिब बुखारी साहब जिहड़े ने उन्हां ने सैयद वारिस शाह दा जिहड़ा सैल सपाटा उन्हां ने जिंदगी च कीता, किथे किथे गए और फिर उस वेले पैदल सफर सन किथे किथे रहे, वो सारा जिहड़ा ना वो उन्हां दा अहवाल दस्या। तो ये मतलब ये वे कि जिस तरह सैयद वारिस शाह साहब ने 4 चौहद्दी दे इलम जिहड़े जदों पढ़ ले, काफ़ी हिंदी, सिंधी, फारसी और भाखा, संस्कृत जदों सारियां सीख लिया, तो फिर उहदे तो बाद मौसीकी दा इलम भी सीख लिया, तो फिर उन्होंने ना एक अलेल आया तो अपने जिगरी यार जिहड़े सन रहीमू माछी तो बिशनू पंडित नू नाल लै के पंध लई तैयार हो गए। तो उन्होंने सलाह बना ली कि हुण सारी दुनिया नू फिर के आना। वारिस शाह साहब ने अपने मामे काजी सलामत शाह होरां नू दस्या भई असी सवेरे जाना है, तो अगले दिन 5 रबीउल अव्वल 1164 हिजरी नू वो आगरा वेखण दी रीज विच जंडियाला शेर खां तों पैदल तुर पए। तुरदे टरांदे जदों आगरे अपणे ते उत्थे जा के उन्हां ताजमहल वेख्या, उहदा नक्शा बनाया, उत्थों फिर वो महात्मा बुद्ध दे शहर गया जाण लई तैयार हो गए ते पंध करदे हुए उत्थे अपड़ गए। उत्थे उन्हां बुद्ध मत दे महंतां नाल भी मुलाकातां कीतियां। उत्थों मुलाकातां करन तो बाद उन्हां नूं अलेल आई ते उह उत्थों पहाड़ी जूहां दे विचों दी कच्छ दे कछांदे चीन जा अपड़े, ते उत्थों चीनी आलम चंग चाओ कोलों 1 साल ला के वारिस शाह जी ने चीनी जबान सीखी। ते उत्थों सीखण तो बाद उत्थों हौली हौली ढलदे कश्मीर दे वाले पासे हुंदे, कश्मीर दियां सैरां करदे करांदे वो ईरान विच अपड़ गए। उत्थे ईरान च जा के उन्हां हज़रत इमाम रज़ा अल्लाह इस्लाम होरां अते उन्हां दी भैण जी दियां रोज़ियां ते हाज़री भरी, ते मुड़ उन्हां शिराज़ विच शेख साधी शहराज़ी ते हाफज़ शमसुद्दीन होरां दे रोज़ियां उत्ते भी फातिहा पढ़ी, ते उत्थे कुछ रह के ते उत्थों वो बसरे वल नूं टुर गए। मुड़ तिन्ने जिहड़े यार सन इराक चले गए, जिथे उन्हां नजफे अशर विच हज़रत अली अलैहि सलाम होरां दे मज़ार पाक ते हाज़री दित्ती। उत्थों फिर वो करबला मुहल्ला चले गए, हज़रत इमाम हुसैन ते हज़रत गाज़ी अब्बास सलम बरदार होरां दे उन्होंने हाज़री भरी। उत्थे फिर घड़ी कुछ दिन रह के ते उत्थों मुड़ काज़मीन विच वो जा के हज़रत इमाम मूसा काज़म ते इमाम नकी होरां दे रोज़ियां दी ज़ियारत लई चले गए। उत्थों ज़ियारत करन तो बाद वो सामरा विच उन्हां इमाम नकी अते इमाम हसन अस्करी अलैहि सलाम होरां दे रोज़ियां ते दुआ मंगी, ते मुड़ बगदाद विच हज़रत अब्दुल कादर जिलानी होरां दे मज़ार ते अपड़ गए, ते उत्थे जा के दुआ खैर मंगी। बगदाद विच काफ़ी फिरन तो बाद उत्थों शाम मुल्क नू चले गए, ते दमिश्क विच हज़रत ज़ैनब होरां दे रोज़े ते जा के उन्हां हाज़री दित्ती। दमिश्क विचों रोज़ियां तो हाज़री दे के मुड़ उर्दन दी सैर करदे हुए फलस्तीन चले गए, ते उत्थे बैतुल मुकद्दस दी उन्होंने जा के ज़ियारत कीती। मुड़ मिस्र जा के उन्हां अहरामुल मिस्र ते नील दरिया दे दर्शन कीते, ते वाहवा चिर मिस्र दे विच रहे क्योंकि मिस्र बड़ा खूबसूरत मुल्क है। ते मुड़ कनान विच उस खूह ते भी गए जिथे जिहड़े खूह दे विच भरावां ने हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम नूं सटिया सी।
इंज भौंदे चौंदे मक्का मुकरमा में चपड़ गए ते मक्का शरीफ चपड़ के उन्होंने उत्थे काफ़ी कु दो साल रहे उत्थे उन्होंने हज किए दो बदर ओहद ते हनैन दे पहाड़ां दे उन्होंने दर्शन किए गारे सौर ते गारे हरा की जियारत की बाद च मदीना पाक आए ते मस्जिद नबवी च नमाज़ां पढ़िया ते नबी पाक दे रोज़े ते जन्नतुल बकी विच हज़रत इमाम हसन ते हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम जाफर अल सादिक इमाम बाकर अलैहिम सलाम दे रोज़िया ते उन्हां ज़ियारत कीती ते हज़रत फातिमा तो ज़हरा होरां दे रोज़े ते भी दर्शन कीते। ये सारे पिंडे विच वारिस शाह जी दे दोवें संगी जिहड़े सन रहमू माछी ते बिशनु पंडित उन्हां दे नाल परछावें वांगर रहिंदे सन ते वो जिधर जिधर जाते सन ये नाल नाल सन। सैयद कासम शाह होरी जिहड़ा सवाने उमरी वारिस शाह विच दोवां संगियां दी सिफत करते हुए आखते ने वारस ताई मुला रहमू बिशनु मरद सियाणा में बाबा नानक संग सी बाला ते मरदाना। मुड़ के हज़रत वारिस शाह मदीना पा के चोखा च रह के ते उतों फिर रोम चले गए जिथे उन्हां मौलाना रोम ते हज़रत शमस तबरेज़ होरां दे मज़ार ते हाज़री दित्ती। चेते रवे भी मुल्तान विच हज़रत शमस सबदवारी जी का रोज़ा जिन्हों कई लोग भुलेखे नाल हज़रत शमस तबरेज़ समझ लेंदे ने। एक होर बुज़ुर्ग हज़रत शमस शाह शमस इराकी होए ने उन्हां दा मज़ार श्रीनगर विच तो ये शाह शमस नां दे तीन बंदे होए ने जिन्हां दे बारे लोग भुलेखे खांदे ने और अक्सर लोग आखते हैं कि मुल्तान विच हज़रत शाह शमस तबरेज़ का रोज़ा जिहड़ा कि ठीक नहीं ते इत्थे हज़रत शाह शमस सबदवारी का रोज़ा ते असी गल कर रहे सी वो फिर उतों रोम की सैर तो मगरों सैयद वारिस शाह अपने संगियां सने पैरिस चले गए जिथे उन्हां किलोपेट्रा का बुत जिहड़ा किलोपेट्रा भी उन्वांदे ने वो वेख्या ते इंज फिरदे फिरांदे छियां सालां तो मगरों वो 11 जमादी उल सानी 1170 हिजरी नूं जंडियाला शेर खां दे विच परत आए। जंडियाला शेर खां पुजन तो मगरों सैयद वारिस शाह होरां दरस वल पूरा जिहड़ा उन्हां दा दरस वारिस शाह सी उहदे वल उन्हां पूरा ध्यान कीता ते उन्हां दी खैरी मेरी घर परतन पारों पूरे जंडियाले दे विच घर घर दीवे बाले गए ते इस तों ये पता लगता है कि सैयद वारिस शाह होरी पूरे लोगों के बड़े हरमन प्यारे सन ते पूरे लोग उन्होंने प्यार करते सन। उन्होंने सैल सपाटे दौरान चीन के आलम पिंग पांग ईरान के आलम अली इसाक ते जाफर आलम नू शराज विच ते मक्का मुकरमा विच आलम अबू राफे अबू फर्ज तरतूसी अबू जाफर जंजानी ते अबू अब्बास अब्दुल्ला नू पंजाबी यानी पढ़ाई यानी जार जिथे जाते सन उत्थे कुछ 6 महीने साल रहिंदे सन ते ओह फिर इन्हां बंदियां नू उन्होंने मतलब पंजाबी दी सिक्ख्या जिहड़ी है बोलन चालन की जाच दसी तो इस गल तो साबित हुंदा है कि सैयद वारिस शाह जी अपनी जुबान नाल किड्डा प्यार करते सन। दरस वारिस शाह विच सैयद वारिस शाह होरां एक नवां शोभा फन्ने लतीफ भी खोल दिता जिहदी सिक्ख्या सैयद वारिस शाह होरी आपू देंदे सन ते इस खेत्र विच मौसीकी नकाशी ते गिलसाजी दसी जांदी सी। शायरी तां सैयद वारिस शाह होरां दी चोली रब ने ही पाई हुई सी क्योंकि वो बड़ा पहलू उन्हां अपनी हिकमत की किताब जिहड़ी है तिब्बे वारस शेरां विच लिख के ते नवेकला एक नमूना दुनिया नूं विखाता सी कि शायरी राही तिब की किताब लिखनी जार एक दवाइया के ना उन्हां नुस्खियां दे ना तो उन्हां नूं शेरां च लिखना जरा औखा काम है ते वो लोगों उन्होंने अपनी ये जिहड़ी फनी अटकल सी शायरी की ये मनवा ली हुई सी। इस बारे सैयद कासम शाह सवाने उमरी वारिस शाह विच इंज लिखते ने कि तिब वारस दियां धुमां यारो मुलखां अंदर पईआं वेख सलाया वेद हकीमा होर सियाणियां कईआं सौखा दारू फायदा जल्दी भुखा भी खुश जावे रोंदा रोगी आवे जिहड़ा डिठा हसदा जावे। उस मदरसे विच सैयद वारिस शाह लोगों नूं शायरी की सिक्ख्या भी देन लग पै सन ते उन्होंने ताजमहल कलोपेट्रा ते महात्मा बुद्ध के मिट्टी के नमूने जड़े ने
ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਉਹ ਰੰਗਦਾਰ ਬਣਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੀ 'ਤੇ ਹੱਦ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਾਜ਼ੀ ਸਲਾਮਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਜਦ ਹੱਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਹੱਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਅੱਡ ਦੋਵਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੈਯਦ ਕਾਸਮ ਸ਼ਾਹ ਇੰਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ 11 ਸਹਿਤ ਅਤੇ 64 ਹਿਜਰੀ ਅਤੇ 5 ਰਬੀਉਲ ਅੱਵਲ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਿੰਜਰੇ ਪਾਇਆ ਪੈਂਦੇ ਤੂਲ ਜਬਲ ਤੋਤੇ ਚਬਲ ਅਤੇ ਫਜਰ ਨਮਾਜ਼ੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਤਿੰਨੇ ਰਾਹੀ, ਰਹੀਮੋ ਮਾਛੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਦੋਵੇਂ ਸਾਥੀ ਮਾਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਗਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਠਾ ਤਾਜ ਮਹੱਲ, ਅਤੇ ਹਾਈ ਨਕਾਸ਼ੀ ਨਕਲ ਉਤਾਰੀ ਜਾਣੀ ਸਭੇ ਵੱਲ, ਉੱਤਮ ਬੁੱਧ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਪਹੁਤਾ ਗਿਆ ਦੇਸ, ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਇਬਾਦਤ ਡਿੱਖੇ ਡਿੱਠੇ ਬਿਗਵੇ ਬੇਸ, ਮੁੜ ਹਮਾਲਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਡਿੱਠਾ ਉੱਥੋਂ ਪਹੁਤਾ ਚੀਨ, ਆਹੇ ਸਭ ਹਬੀਮੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀਨ। ਤੋ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਯਦ ਕਾਸਮ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 17-18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਫੀਮੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਫੀਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪਛੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੰਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਨ ਦੇ ਖਾਬ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਉਹ ਸੁਚੱਜੀ ਸਿਆਣੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਚੀਨ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੀਨੀ ਅਫੀਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਦੇਣ ਕੇ ਅਫੀਮ ਪੈ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕਣੇ ਯਾਨੀ ਧੁੱਪੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਰਹੇ ਦਿਸ ਤਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਆਈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਾਇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਠੀ ਪਾਲੀ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਖੁਦ, ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸਿੱਖੀ ਚੰਗ ਚਾਓ ਸੀ ਸੁੱਧ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੈ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆ ਇਰਾਨ, ਕੁਝ ਚਿਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਟੁਰਿਆ ਮੁੜ ਜਵਾਨ, ਰੋਜ਼ੇ ਹਾਫਜ਼ ਸਾਧੀ ਵਾਲੇ ਡਿੱਠੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਜ਼ੇ, ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਫਨਕਾਰ ਜੂੰ ਇੱਥੇ ਉੱਠੇ ਤਾਜ਼ੇ ਤਾਜ਼ੇ, ਐਵੇਂ ਚੱਲ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਮਸ਼ਦ ਮੁਕੱਦਸ ਕੁੰਮ, ਇਮਾਮ ਰਜ਼ਾ ਹਮਸ਼ੀਰ ਮਸੂਮਾ ਦੋਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ ਚੁੰਮ, ਚੱਲ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਗਿਆ ਇਰਾਕੇ ਨਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਸੰਗੀ, ਨਜਫੇ ਅਸ਼ਰਫ ਵਿੱਚ ਦਰ ਅਲੀ ਅਤੇ ਦੁਆ ਖੈਰ ਚਾ ਮੰਗੀ। ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਅਬਾਸ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਹੀਦ, ਕਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ ਦੀਦ, ਕਾਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਰੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਜਿੱਥੇ ਨਕੀ ਅਤੇ ਕਾਜ਼ਮ, ਸਾਮਰਾ ਅੰਦਰ ਤਕੀ ਅਸਕਰੀ ਡਿੱਠੇ ਮੱਲੇ ਸਮ, ਬਾਤ ਬਸਰਾ ਅਤੇ ਬਗਦਾਦ ਡਿੱਠੋ ਸੂ ਰੋਜ਼ਾ ਪੀਰ ਜਲਾਨੀ, ਕਰੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਰੋਜ਼ਾ ਜ਼ੈਨਬ ਸ਼ਾਮ ਦਮਿਸ਼ਕੇ ਜਾਨੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਰਦਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਫਲਸਤੀਨ ਜਾ ਪਹੁਤੇ, ਪਹਿਲਾ ਕਾਬਾ ਬੈਤ ਮੁਕੱਦਸ ਜਿੱਥੋਂ ਫੁੱਟੇ ਸੋਥੇ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਮੁੜ ਮਿਸਰੇ ਆਏ ਅਤੇ ਡਿੱਠੇ ਮਿਸਰ ਮੀਨਾਰ, ਸੈਲ ਸਪਾਟਾ ਨੀਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਡਿੱਠਾ ਜਾ ਕਨਾਨ, ਖੂਹ ਯੂਸਫ ਦਾ ਡਿੱਠਾ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਟਣ ਵੀਰਾ ਪਾਣ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਆਏ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਜ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸਾਦਤ ਮੌਲਾ ਪਰਦੇ ਕੱਜ, ਬਾਅਦ ਉਹਦ ਹੁਨੈਨ ਡਿੱਠੋ ਨੇ ਗਾਰ ਹਰਾ ਅਤੇ ਸੌਰ, ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਵਿੱਚ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਹਰ ਤੌਰ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਮਦੀਨੇ ਆਏ ਨਬੀ ਗਏ ਨਬੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ, ਰੋ ਰੋ ਭਰੀ ਸਲਾਮੀ ਸਾਰੇ ਵਸੇ ਹੁੰਦੇ ਵਰਤੇ, ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬੇ ਦੀਨ ਅਤੇ ਬਾਕਰ ਨਾਲੇ ਪੀਰ ਹਸਨ, ਸੁੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬਕੀ ਦੇ ਡਿੱਠੇ ਜ਼ਾਰਾ ਮਾਈ ਦੇ ਚੰਨ,
रोज़ा पाक बतूल बकी विच करन ज़ियारत जिदी सिफत बयान करन वी दसो दी दसो ताकत हैगी किदी। रोम गए ते कोनिया अंदर रोज़ा रूमी डिठा शाह शमस नू जा सुनाया सारा कच्चा चिट्ठा। पैरिस विच डिठा जाके पैटरा वाला बुत फनकारी दा अजब नमूना केड़ा जासी जुत। 6 साल की कर सियाहत मुड़िया वल वतन 1170 हिजरी वलिया वीरन चन। 12 हाई जमादी उलसानी टलिया वक्त दोपहर चहार शंबा हा केड़ियाँ दसा उन्हां वालियां लहरां। होया चिरागां घर घर अंदर सबना फेरे लाए हर कोई वारस अगे हो के गोडे चा नवाए। पिंग पांग नू चीन दे अंदर वारस इलम सिखाया पंजाबी विच बोलन चालन उन्नू चा समझाया। इसहाक ते जाफर आलम फाजल आहे दो ईरानी जिन्ना पंजाबी पढ़ी वारस तो वांग शिगिरद पछाणी। मक्के विच कुछ आलम फाजल कीते उस शिगिरद पढ़ाई पंजाबी उन्हां ताई फजल कीता रब किरद। अबू फरज तरतूसी दूजा अबू जाफर जनजानी अबू अब्बास अब्दुल्ला चौथा अबू राफे करमानी। हुणे गल साबित हो गई भी वारिस शाह ने चीन ईरान ते अरब शरीफ विच कुछ लोगों नूं पंजाबी भी पढ़ाई ते पंजाबी समझण दे काबल कर दिता। इत्थों ये गल पक हो जांदी है भई सैयद वारिस शाह उहनां नूं अपनी मां बोली पंजाबी नाल किन्ना गूढ़ा किन्ना सुलखणा ते किन्ना मनमोहणा प्यार सी जिहदे वास्ते उहनां ने हीर वारिस शाह लिख के इंज दी एक मतलब संपूर्ण किताब लिख दिती कि जिहदियां मिसालां दुनिया च लोकी रहिंदी दुनिया तीकर देंदे रहणगे ते उहदा स्वाद माणदे रहणगे। सज्जणों मित्रों तुहाडे नाल मिलने आ फिर किसी अगली वीडियो च। उस वेले ताईं बाबा बाजवा चैनल तो एहसान बाजवा नूं इजाजत दिओ।